सो रील और रियल लाइफ दोनों में ही रक्षित शेट्टी और चार्ली की जो केमिस्ट्री है बहुत ही शानदार है। 777 चार्ली में तो दोनों की केमिस्ट्री माइंड ब्लोइंग थी ही। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो देखो जाके, तो आपको पता चलेगा कि कितनी शानदार मूवी है और कितनी बेहतरीन केमिस्ट्री है दोनों के बीच में। जी हाँ, और इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि रियल लाइफ में भी उतनी ही शानदार केमिस्ट्री है और चार्ली उतना ही पसंद करती है रक्षित शेट्टी को और रक्षित शेट्टी भी उतना ही पसंद करते हैं चार्ली को। सो बहुत ही माइंड ब्लोइंग केमिस्ट्री है और बहुत मेहनत लगी इस मूवी को बनाने में, क्योंकि चार्ली को ट्रेन करना और उसके साथ एक्टर्स का कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत मेहनत लगी है। सो मैंने इसके मेकिंग वीडियोस देखे तो मेरे को पता चला कितनी ज्यादा मेहनत लगी इन लोगों को। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये बात बहुत ही गलत है कि आप थिएटर्स तक मूवी पहुंच ही नहीं पा रही है। इतनी मेहनत और इतने डेडिकेशन के साथ इस मूवी को बनाया गया, उसके बावजूद थिएटर्स नहीं मिल रहे हैं। ये इट्स अ रियली डिसअपॉइंटिंग थिंग, क्योंकि पैन इंडिया इस मूवी को रिलीज किया गया है तो एटलीस्ट 3 से 4 शोज तो आप दे सकते थे। जनहित में जा रही जैसी मूवीज को आप शोज दे रहे हैं और इस मूवी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो ये आपकी गलती है थिएटर वालों, मानो मेरी बात, अभी भी वक्त है, शोज दे दो इसको, मजा आ जाएगा, आपकी जो कमाई वमाई है वो बढ़ जाएगी, मैं कह रहा हूँ आपसे।